दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये मैंने नेट लिया है और ये मैंने प्लेन क्लॉथ लिया है। अभी आपको बताऊंगी इसमें डिजाइन किस तरह डालनी है और ब्लाउज की जो ओपनिंग है वो फ्रंट साइड है और ये ब्लाउज जो है हाई नेक में आएगा। तो देखिए मैंने साइज साइज के अनुसार ब्लाउज कट कर लिया है। ये 34 साइज का ब्लाउज है और ये हाई नेक है। तो अभी आपको बताती हूँ इसमें डिजाइन किस तरह से डालनी है। ज़्यादातर डिजाइन हमारी ये नेट का पीस रहेगा, नीचे हमारा ये प्लेन क्लॉथ रहेगा। तो सबसे पहले हम अभी इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए जितना आप इसको डीप रखना चाहें उसी हिसाब से, क्योंकि ये नेट है इसमें हम कोई कपड़ा यूज नहीं करेंगे, खाली नेट रहेगी, तो उसके हिसाब से आप इसको ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा ऊपर क्लोज रहेगा। तो मैं इसको 11.5 इंच ले रही हूँ और ब्रॉड में 4 इंच में मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो जो डिजाइन आएगी हमारी ये ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा रहेगा और नीचे हमारा ये प्लेन रहेगा। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमारे ये मुड्डे हैं या तो आप ऊपर से इस तरह से मेजरमेंट ले लें, तो 7 इंच ले लें यहाँ पर और 7 इंच से इस तरह से निशान लगा लें और इसको अभी हम इसको गुलाई में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर 7 इंच लिए थे शोल्डर से, यहाँ से इस तरह से आप इसको गोलाई में ड्रॉ कर लें जहाँ तक आपका ये प्लेन क्लॉथ है। और ये जो पार्ट है इसको हम अभी कट कर देंगे। तो देखिए इसको मैंने कट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ड्राफ्ट है अगर इसका आप लाइनिंग डाल रहे हैं तो सेम ड्राफ्ट के लाइनिंग कट कर लें और लाइनिंग को हम पलट देंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑलरेडी इसी पीस को डालूंगी तो इसी पीस को इसमें से कट करके यहाँ पर फिनिशिंग दे दूंगी। ये आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ है तो भी फिनिशिंग दे सकते हैं। अभी जो ऊपर का पार्ट है इसको भी साइड में रखते हैं और इसको भी रखते हैं। अभी जो हमारा नेट है उसको लेते हैं। तो देखिए ये भी बचा हुआ टुकड़ा है हमारा नेट का, तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। और अभी जो हमारे ये पार्ट निकले हैं इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और जो हमारा ये नीचे का है इसको भी रख लेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साइड में कपड़ा कम पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि हमारा तैयार में इतना रहेगा, ये खाली मार्जिन है। तो मैं इसको जो ये पार्ट है यहाँ से कट करती हूँ, ये पूरे को कट नहीं करूँगी और हमारा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे, जो मुड्डे है उसको कट करते हैं। तो देखिए ये पार्ट कट कर दिया है। अभी जो ये पार्ट है इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पीस को यहाँ पर रखेंगे, ये पूरा हमारा क्लोज रहेगा, खाली हम इसमें बोट नेक बनाएंगे और नीचे हमारा इतने पीस में ये डबल कलर आएगा। अभी हम इसमें नेक कट करते हैं, ये बोट नेक में रहेगा। तो मैं इसको 3.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये नेट है ये ज़्यादा फैलता है नेक, और इसको मैं 3.5 इंच तक ले रही हूँ लेकिन तैयार में 3 इंच ही रहेगा। और इसमें 1.5 इंच की गुलाई दे देते हैं। तो हम यह नेक को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए ये हमने नेक कट कर दिया है। अभी जो हमारा यह साइड में कपड़ा कम बच रहा है और देखिए ये हमारा बचा हुआ पीस है इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जितना पीस हमको चाहिए उतना पीस, तो जब हम ये जॉइंट कर देंगे और उसके बाद हम इस पीस की फिनिशिंग दे देते हैं और जो ये बोट नेक है इसको भी तैयार कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा ये क्रॉस कटिंग का पट्टी हम इसमें यूज करेंगे, तो कैनवास यूज करेंगे तो वो दिखेगा, तो आप सेम कलर ही नॉर्मल पट्टी कट कर लें।
तो देखिए जो पीस मैंने कट किए थे, जो कम पड़ रहे थे हमारे साइड में, वो मैंने ज्वाइंट कर लिया है और उसके हिसाब से फिर मैंने शेप दे दी है। और जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है, इसके लिए मैंने ये क्रॉस में पट्टी कट करी है, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। और जो नीचे का ये नेक है, इसमें पूरे में स्टिच कर दूंगी। उसके बाद जो बोट नेक है, सेम इसी तरह इसको भी स्टिच करेंगे। तो देखिए ये स्टिचिंग डाल दी, इसके ऊपर एक किनारे पर स्टिचिंग डाल देंगे। तो उसके बाद आप इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करके तुरपाई कर लें। अभी बताती हूँ जो ऊपर का हिस्सा है उसको कैसे तैयार करें। इसके लिए भी मैंने ये क्रॉस में पट्टी कट कर ली है और साइज के अनुसार ज्वाइंट भी कर लिए, और मेथड सेम है, इसको भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस पीस को, जो नीचे का पार्ट है, इसको इस तरह से फोल्ड कर दें बराबर से, और इस पीस को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे, नीचे से इस तरह से सेट कर लें। और सेम जो हमारी ये डिजाइन है, सेम डिजाइन पे इसको हम सिलाई डाल देते हैं, जिससे कि ये पूरा सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग डाल दी है। अभी जो नीचे है, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल प्लेट डालते हैं, इसी तरह दोनों साइड में प्लेट डाल देंगे और फिर हम इसमें नीचे फिनिशिंग देंगे। तो देखिए ये पट्टी भी मैंने कट कर ली है 1 इंच चौड़ी, और इसको मैं इस तरह से नीचे स्टिचिंग डालूंगी। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बड़ा सिलाई डाल देंगे, बाद में इसमें तुरपाई करके सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए इसकी मैंने नीचे भी फिनिशिंग दे दी है, जो बड़ा सिलाई है, तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे उसको। अभी जो हमारी ये शेप है, इस शेप में मैं यहाँ पे ये लेस लगाऊंगी, आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं।
तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लेस लगाई थी उसी तरह मैंने नीचे भी पाइपिंग छोड़ने के बाद ये लेस लगाई है। सेम नेक को भी इसी तरह से पाइपिंग छोड़ दिया, उसके बाद लेस लगाई है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।